31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भगवान राम की जय। किसानों ने खाना है ज्ञान निरोग मूल्य। नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा के छेगांव माखन हाईवे का है, जहां पर किसान संगठनों ने प्याज के निर्यात को लेकर जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया गया। भगवान बलराम की प्रतिमा रखकर उनको प्रणाम कर उनकी पूजा अर्चना कर मंडी में भाषण देने के पश्चात हाईवे जाम कर सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर सरकार निर्यात का जो निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है उसे वापस नहीं लेती तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा और किसान फिर हाईवे से उठने वाला नहीं है। हाईवे पर चक्का जाम करने के पश्चात स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, किसानों को समझाइश दी गई, उनसे निवेदन किया गया कि हाईवे को जाम ना करें, उनकी बात वो सरकार तक पहुंचा देगी। आइए किसानों ने क्या कहा, किस तरह के विषय को लेकर विरोध दर्ज कराया, सुनवाते हैं। कि सरकार कभी अपना खिलाफ कदम उठाओ तो अपन का वही जरीना मैदान में देने लड़ना पड़ेगा। ये जी वहाँ बैठे इनका यह सड़क बसी जवाब देना पड़ेगा। भगवान बलराम की भारत माता की। अभी तो हमने अभी 15 दिन पहले प्याज के भाव आप सबके मालूम थे और ये भाव रोड पर जा रहा था क्योंकि माल धीरे धीरे कम हो रहा था। ये प्याज ज्यादा दिन टिकती नहीं है। नासिक की प्याज सबका जानकारी मुझे कि 8 दिन 15 दिन से ज्यादा अपन एक रखी नहीं होता है। देसी प्याज थोड़ा बहुत दिन स्टार्ट कर लेना है और निर्यात बंद करना चाहिए। गुस्सा जो पुराने प्याज वो बेचकर ये प्याज को देश में हम चला जाए वो बात हम भी माना है। एक बात दीजिए कि जो पुराने प्याज थे वो को निर्यात हो जाने दो, नए प्याज तेज जगह पर दे दो, वो तो जो कि नहीं दिया है और ये मात्र एक चेतावनी भर है कि हमारी मांगे अगर समय सीमा में नहीं मानी जाती तो पूरे जिले भर से और प्रदेश भर से किसान निकलकर आएंगे और हम उग्र आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन का मैं वाचन कर रहा हूं, उससे पहले मेरा परिचय दे दो। मैं राहुल खोरे संयुक्त कृषक संगठन तहसील खालवा का संगठन मंत्री हूं और हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र जी पटेल, मंत्री आशीष जी बोरोले उपस्थित हैं। ज्ञापन का वाचन करूंगा। भारत सरकार द्वारा चुनाव के तुरंत बाद प्याज निर्यात पर जो रोक लगाई गई है और यह रोक मार्च तक लगाई गई है, इस रोक लगाए जाने से आर्थिक नुकसान हो रहा है जिस पर सरकार तुरंत निर्यात पर से प्रतिबंध हटाए। यह लाभकारी मूल्य और बाजार मूल्य में जो अंतर आ रहा है उसकी भावांतर राशि कृषकों को उनके खाते में सीधे प्रदान करें। प्याज दूध फल सब्जी का बाजार मूल्य और लागत मूल्य के अंतर पर भावांतर मूल्य तय किया जाए और भावांतर राशि का भुगतान कृषकों को किया जाए। आयात के कारण दूध सब्जी कपास आदि की फसलों के भाव कम मिल रहे हैं जिससे कृषकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कृषि उपज आयात निर्यात नीति पर शीघ्र निराकरण कृषकों के हित में किया जाए। प्याज निर्यात पर से शीघ्र प्रतिबंध हटाया जाए तथा आयातित कृषि उपजों का आयात शुल्क बढ़ाया जाए। अगर समय सीमा में सरकार हमारी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो आने वाले समय में इस सांकेतिक आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और जिले भर के सभी जो रास्ते हैं उनको भी बाधित किया जाएगा और उपज मंडियों में उपज जो आ रही है उसको प्रभावित किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। मैं आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो अपने मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो प्याज पर निर्यात बंद किया है उसकी वजह से प्रदेश भर के प्याज मंडियों में और अनाज मंडियों में जो भाव गिरे हैं उससे किसानों को प्रति एकड़ पे प्याज के किसानों को प्रति एकड़ पे 1.5 लाख रुपए से लगा के 2.5 लाख रुपए तक का घाटा हुआ है पिछले 10-12 दिनों में।
तो सरकार ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से पूरी जेब लूट ली। तो इसके लिए हमने ये सांकेतिक धरना आज दिया है और ये मात्र एक चेतावनी भर है कि हमारी मांगे अगर समय सीमा में नहीं मानी जाती तो पूरे जिले भर से प्रदेश भर से किसान निकलकर आएंगे और हम उग्र आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन का मैं वाचन कर रहा हूं, उससे पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं राहुल खोरे संयुक्त कृषक संगठन तहसील फालवा का संगठन मंत्री हूं और हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र जी पटेल, मंत्री आशीष जी बोरोले उपस्थित है। ज्ञापन का वाचन करूंगा और तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने आए हैं, जो आए ना उनका परिचय करवा दो लोगों को, लगे कि हमारे बीच में जी। आप आज किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे? आज संयुक्त कृषक संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में किसानों के द्वारा जो केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, इसको लेकर आज यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे और केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि तत्काल जो निर्यात पर रोक लगाई है उसे हटाया जाए, अन्यथा हम सभी तहसील में उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। और सरकार की एक नीति स्पष्ट ये नहीं समझ में आती है कि जब दाम गिर जाते हैं तब किसानों का माल खरीदे और उसको स्टोरेज करके रखे और किसानों को उचित दाम मिले, पर जब किसानों के दाम फसल के दाम प्याज हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, अन्य फसल हो, जब उसके दाम गिर जाते हैं तब वो बाहर से आयात करवा लेती हैं और जैसे एक्सपोर्ट पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, ऐसे निर्णय लेकर किसान को उसकी जो फसल का जो दाम मिलना चाहिए उसको लेकर ये घाटे का काम करती है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने छेगांव माखन हाईवे को जाम किया था। जी आगे की क्या योजना बनाई आपने आज? फिर आगे की योजना यही है कि हम लोगों ने छेगांव माखन जाम करके ज्ञापन दिया है और अगर हमारी बात नहीं मानती है सरकार तो हम आगे चलकर और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय पटेल, संयुक्त कृषक संगठन खंडवा जिला मीडिया प्रभारी। धन्यवाद। 31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। अनलिमिटेड स्टार्टर, अनलिमिटेड मॉकटेल, डीजे के साथ फायरवर्क्स, केक कटिंग, ऐसी बहुत सी फैसिलिटी और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ खास। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करके बुकिंग करें।